सबसे पहले तो जयपुर की धरती पे राजस्थान के कोने कोने से आए हुए छात्र शक्ति नौजवान साथियों और धरती पुत्र जो अपने बच्चों का संघर्ष देखने के लिए छोटे से आह्वान पे आप यहाँ पे आए, मैं आपके जोश और जज्बे को सलाम करता हूँ। शायद राजस्थान के इतिहास के अंदर पहली बार छात्र इतनी बड़ी तादाद के अंदर अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहा था। दुर्भाग्य इस बात का है कि लोग भूल गए कि जिनकी वजह से हम सत्ता के अंदर बैठे हैं, जिन्होंने लंबे समय तक इन दोनों पार्टियों को सत्ता के शिखर पर बिठाया, जिन छात्रों ने नौजवानों ने इस प्रदेश के अंदर सैकड़ों नेता दिए। आज राजस्थान विद्यालय छात्र संघ अध्यक्षों की बात करें तो 50 से ज्यादा नेता राजस्थान के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के शिखर के पदों पर बैठे। बात देश के छात्र संघों की करें तो चाहे बिहार के मुख्यमंत्री रहे और चाहे प्रदेश में 15 से ज्यादा देश के 15 से ज्यादा राज्यों में मुख्यमंत्री रहे, वो छात्र संघों के माध्यम से वहां पे पहुंचे, बेबाकी से अपनी बात करी और जनता दल के समय और पूर्ववर्ती कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के शासन में ऐसे 50 नेता है जो केंद्र में मंत्री रहे, लेकिन उनका संघर्ष का इतिहास कॉलेज विश्वविद्यालय की राजनीति से हुआ था। आज दुर्भाग्य इस बात का है जब हमारे बच्चों को आवश्यकता पड़ी तो नौजवान के आंसू पोंछने, छात्रों के आंसू पोंछने कोई भी आपके बीच नहीं आया। मेरी जो राष्ट्र लोकतांत्रिक पार्टी है, ये जय जवान जय किसान के नारे के साथ बनी थी। पिछले 5 साल से आप लोग कह रहे थे कि हमारा छात्र संगठन नहीं है, और मैं आपको ये कहता था जो राजस्थान के अंदर इलेक्शन लड़ रहा है, चाहे वो NHUI का है, चाहे निर्दलीय है, चाहे SFI का है, चाहे ABP का है, चाहे हमारी आदिवासी पार्टी का है, वो सारे हनुमान बेनीवाल के छोटे भाई है, इसलिए मैंने संगठन राजस्थान के अंदर नहीं बनाया। मैं नहीं चाहता था कि मेरा संगठन और बीच में आए। हम चाहते थे किसी भी माध्यम से आप अगर आगे आ जाओ तो आगे मैं खड़ा हूँ और हाथ पकड़ के आपको विधानसभा और लोकसभा के पास खींच लूंगा। लेकिन जिस तरह मुझे उठा के वहां मंच तक लाए और मंच से हाथ पकड़ के बच्चे लाए, तो उसको मंच पे नहीं आना पड़ा जो मुझे उठा के यहाँ तक लाया था। हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर उस मुकाम पे, जिस मुकाम पे प्रदेश के बहुत से कम नेताओं ने मुकाम हासिल किया, लंबा संघर्ष का इतिहास है। कोई बात पकड़ लेता हूँ उसको बीच में नहीं छोड़ता, और ठान लेता हूँ उसको पूरा करके ही मानता हूँ। समय लग सकता है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आने वाला समय आपका है। आज की जो संख्या है वो कम नहीं है, हजारों हजार की तादाद के अंदर है। और सबसे बड़ी बात इस संख्या में आप देखो, हमने एक भी गाड़ी नहीं लगाई राजस्थान के अंदर। कांग्रेस BJP की जब रैलियां होती है, डिलक्स बस, उसके अंदर नाश्ता, खाने के अलग पैकेट, जूस, क्या क्या लाया जाता है, सारे MLA की ड्यूटी लगती है, सारे DTO RTO लगते हैं बसें लगाने के लिए, और वो रैलियां कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी करती है। ये तो छात्रों की रैली है, नौजवानों की रैली है, बेरोजगारों की रैली है, और अपने आप उठे हो आप लोग, अपने आप उठ के जो ताकत आपने बढ़ाई। हाँ एक बात है, आप एक जगह बैठते रहे। मैं जब आया था उसे 1 घंटे पहले देखा तो कुर्सियां तो भरी हुई थी, बाहर तक मैदान और सड़क भरी हुई थी। जैसे ही मैं आया थोड़ी बरसात हुई, इधर उधर सड़क लिए, कोई पेड़ के नीचे चला गया, कोई गाड़ी के पीछे बैठ गया, कोई इधर पीछे बैठ रहा है। ये दिक्कत है। जिस दिन आप एक जगह बैठना सीख लोगे, जिस दिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक ही चीज का ध्यान रखोगे, तो लक्ष्य की प्राप्ति आपको होगी। मैं देख रहा था
कि हमारे बच्चे मीडिया वालों से उलझ रहे थे। अरे यही तो है जो तुम्हारी ताकत है, नेताओं तो धोखा दे दिया, कम से कम इनका ध्यान रखो आप लोग। ये एक मेरी बात आप गिन के गांठ बांध लो, तुम नौजवान हो और ये मीडिया वाले भी नौजवान है, आपस में टकराव नहीं होना चाहिए। मैंने लंबी राजनीति करी, कई बार खबरें छपी या नहीं छपी, मुझे दिखाया कि नहीं दिखाया, लेकिन झगड़ा थोड़ी करता हूँ। आज नहीं तो कल दिखा देंगे, कल नहीं तो परसों दिखा देंगे। इस तरह अगर करोगे तो फिर इनको और सामने कर लोगे, फिर चौथा स्तंभ भी अपने साथ नहीं मिलेगा। ये मेरी सीख है, इसको गिन के गांठ बांध लो और इनके बिना अपन अधूरे हैं। हाँ, ये सोशल मीडिया जरूर है हमारे पास, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के भाई, जो मैं देख रहा था यूक्रेन के अंदर किस तरह यूक्रेन पर रशिया ने अटैक किया और यूक्रेन में भारतीय मीडिया वहां पहुंचा हुआ था, उन जब घोड़े बरस रहे थे वहां भी वो बाइक ले रहे थे, जान हथेली पे खेल के। ये भी लड़ते हैं अपने लिए, ये अभी आज भी चाह रहे हैं कि आंदोलन में थोड़ा इधर उधर हम बीच में से करें। क्या करवाना है क्या छोटा मोटा आज बताओ? अरे ताकत है क्या या वैसे ही करना है? ये खड़े हैं आपके साथ, छोड़ के नहीं जाएंगे। भाइयों, छात्र संघों को कमजोर करने का जो कुत्सित प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया और इस प्रयास की लंबी जो गाथा है, कांग्रेस के पीएचडी के मंत्री जिनके बेटे पे बलात्कार के आरोप लगे, ईडी की एंट्री हुई, जल जीवन मिशन के अंदर कई अभियंता जेल के पीछे चले गए और कईयों की बारी आने वाली ईडी जा रही है, उनकी ड्यूटी लगाई अशोक गहलोत ने, क्या बीजेपी से बात करो? अगर चुनाव हुए जिस तरह पिछली मर्तबा राजस्थान विश्वविद्यालय सहित तमाम बड़े विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई चुनाव हार गई थी और बड़ी किरकिरी हुई थी सरकार की, ये मीडिया के अंदर बात आई कि दोनों प्रमुख दल हारे और निर्दलीयों ने और तीसरे मोर्चे ने बाजी मारी। चुनाव का समय सितंबर के अंदर, अगस्त के अंदर ये बात अगर आ जाती है कि तीसरों ने बाजी मारी, तो तीसरा है कौन यहाँ पे राजस्थान में बताओ मुझे? जो तीसरा है वो आप सभी, तो जो तीसरा है वो झंडा है जो आपको ये झंडा दिया है, आप मुझे बताएं। महेश जोशी ने बीजेपी के नेताओं से बात करी, दो तीन लोगों से जो अक्सर बात करते हैं, आपको ज्ञात होगा जब इस पर आरोप लगे, मेरे विधायक विधानसभा के अंदर थे, बेल में धरने पे बैठे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता इनसे कह रहे थे कि महेश जी वाला मामला छोड़ो, बीजेपी ये मामला नहीं उठाएगी क्योंकि हमने बात तय कर ली आपस में। तय कर ली मतलब मिला जुली का खेल है। महेश जोशी के साथ भारतीय जनता पार्टी के कई दर्जन नेताओं के और विधायकों के आपस में काम है, जेजेएम के, वो दिल्ली वाले मंत्री के साथ भी है। ये सारी कहानी आपको पता होनी चाहिए, छोटे भाइयों को पता होनी चाहिए कि ये कहानी है। उसने बात करी, गहलोत साथ मिलाया और छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी। छात्र संघ चुनाव तो आप रोक लोगे, लेकिन ये नौजवान जो इस बार चुनाव में 4 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी, वो 60 लाख से लेकर 80 लाख तक नया वोट राजस्थान के अंदर जुड़ेगा। अगर ये वोट दोनों पार्टियों को नहीं डाल के इस नए राजस्थान के निर्माण में, व्यवस्था परिवर्तन के निर्माण के अंदर, बेमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान, जिस तरह पेपर लीक की घटनाएं और इस प्रदेश के अंदर जिस तरह हमारी बहनें बच्चे दरिंदगी का शिकार हो रहे हैं, जिस तरह अपराधी सरेआम चाहे जिसकी सुपारी ले देते हैं, नेताओं की अधिकारियों की सुपारी ले लेते हैं, वो नया मतदाता इस बार चाहेगा कि ऐसा राजस्थान बने जाने पेपर लीक हो, ना कोई बलात्कार हो, हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे सड़क पर निकले, उनको ऐसा महसूस हो कि वो घर के आंगन के अंदर घूम रही है, ऐसा राजस्थान पहला मतदाता चाहेगा। और भाइयों, अगर उसने वोट डाल दिया और 18 का जो वोट है वो कोई बहुत बड़ा वोट कांग्रेस बीजेपी को नहीं मिला था, 1,39,00,000 पे कांग्रेस पार्टी थी और 1,36,00,000 पे बीजेपी थी, 80 लाख वोट हम सबको मिले थे। मेरी पार्टी नहीं थी, मेरे पास लोग आए, किसी ने मुझे अंकल जी कहा, किसी ने मुझे मामा जी कहा, मैंने उनकी मदद कर दी और वो आज अगर विधानसभा के अंदर चले गए, मंत्री बन गए, उनका दिमाग इतना खराब हो गया
तो पहले उन नेताओं से पूछ ले जिनको मैंने बनवाया और उनका दिमाग खराब हुआ, तो परमानेंट दिमाग खराब हो गया, वापस लोकसभा और विधानसभा का रास्ता नहीं देखा था। एक बार मेरा इतिहास भी ढंग से लोगों को पढ़ लेना चाहिए कि हनुमान जी का इतिहास क्या है। चुनाव नहीं होंगे, इसका परिणाम क्या होगा? रैगिंग बढ़ेगी राजस्थान के अंदर कॉलेज विश्वविद्यालयों के अंदर। कौन पुकार सुनेगा जब बच्चा कोई फॉर्म भरने के लिए जाएगा, उसकी अंतिम तारीख निकल जाएगी, जब कॉलेज का कर्मचारी, यूनिवर्सिटी का कर्मचारी उसका फॉर्म जमा नहीं करेगा, एग्जाम की तारीख बढ़ानी हो, फीस भरने की तारीख बढ़ानी हो, एग्जाम की तिथि बढ़ानी हो, कौन पुकार सुनेगा? इसलिए छात्र संघों की आवश्यकता है। ये दुष्परिणाम आप भुगतने के लिए तैयार रहो। पेपर लीक की घटनाएं जो राजस्थान के अंदर हो रही है, आप देखिए वसुंधरा गहलोत के 11 से 22 के बीच लगभग 26 पेपर लीक हुए दोनों के अंदर, जिसमें 25-30 लाख युवा प्रभावित हुए। आपने सारे अलग अलग पेपर कराए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग ने एग्जाम कराया, और RPSC जो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बन गया वसुंधरा के समय, RPSC का चेयरमैन अपनी ही बेटी के नंबर बना रहा था, खुद ले जाके मुंबई के अंदर कॉपियां ले गया, गिरफ्तार हुआ, जेल गया, और मामला भी हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान की विधानसभा के अंदर उठाया था। लेकिन आज दुर्भाग्य देखिए कि हर पेपर आउट हो रहा है, एग्जाम होता है और फोन आने शुरू हो जाते हैं कि MP साहब पेपर बाहर आ गया। अब तो चिंता ये होने लगी कि लोग कह रहे हैं एग्जाम कराओ मत, सरकार बदल दे जब कराओ, नहीं तो पेपर लीक हो जाएंगे। अभी सब इंस्पेक्टर का एक देखा था मैंने पेपर, कोई बता रहे कि एक ही गांव के अंदर कितने लड़के सेलेक्ट हो गए, ऐसा कोई हो सकता है क्या? उस गांव के पानी और मिट्टी के अंदर कोई विशेष वो है क्या, एक ही जगह कितने बच्चे हो सकते हैं? पेपर आउट, कौन जांच कराएगा? अब सरकार को ये पड़ी है जितनी भर्तियां करा दी, चाहे फर्जी किसी भी तरीके के, फटाफट इनको ज्वाइनिंग दे दो ताकि हमें बोर्ड दिला देंगे। वो फर्जी भी अंदर घुस जाएंगे और अंदर घुस के सिस्टम को खोखला करने का काम करेंगे। जिसकी शुरुआत फर्जीवाड़े से हुई वो कभी अच्छा काम नहीं कर सकता। बेरोजगारी का आलम क्या राजस्थान के अंदर आप बताएं? लोकसभा के अंदर आप रोज देखते हो, मैं आपके लिए बोलता हूँ, ये राजस्थान में 23 में बेरोजगारी दर 26.35%, हरियाणा के बाद देश में सबसे ज्यादा नौजवान अगर बेरोजगार है वो राजस्थान के अंदर है। भाइयों आपको याद होगा जब अग्निपथ योजना मोदी की सरकार लेके आई, सेना को ठेके पे दिया, सेना भर्ती रद्द की, तब देश का कोई सांसद अगर झंडे के साथ आपके बीच आंदोलन करने आया, लोकसभा के अंदर पुरजोर तरीके से मामले को उठाया और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके प्रधानमंत्री को चेतावनी दी, प्रधानमंत्री जी अग्निपथ वापस लो, सेना के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा, हम उस कौम से आते हैं जिस कौम के इतिहास, जिस कौम का इतिहास इस 62-65-71 और कारगिल की लड़ाई के अंदर खून से लिखा हुआ है, जिस कौम के लिए अमेरिका के अखबार छापते हैं कि 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पे अगर 20 किलो 50 किलो गोला बारूद और 1K-47 लेके दुर्गम पहाड़ियों पे दुश्मन को मारता है, वो जाट रेजिमेंट का जवान है, वो सिख रेजिमेंट का जवान है, वो गोरखा मद्रासी रेजिमेंट है, ये हमारी इन रेजिमेंटों को आप खत्म मत करो। आप दोनों ने तय कर लिया नंबर एक नंबर दो ने देश के अंदर कि हम दूसरे की तारीफ नहीं सुनना चाहते, किसी जाति की तारीफ नहीं सुनना चाहते। इसलिए कृषि बिल लेके आए, 3 कृषि बिल आए, मंत्रियों से प्रचार कराया, सांसदों से बयान दिलाए कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो आतंकी है, इनको फाइनेंस आतंकी कर रहे हैं। लेकिन भाइयों इस राजस्थान की धरती से, उत्तरी भारत से अगर कोई व्यक्ति सत्ता छोड़ के 70 दिन शाहजहांपुर बॉर्डर को जाम करके कोई बैठा और पड़ोसी हो थाली को ठोकर मारी, वो नागौर का सांसद था, आपका भाई था, जिसने मोदी को चुनौती दी और मोदी को झुकाया। अग्निपथ के मामले के अंदर आपको स्वाद दिलाता हूं कि प्रधानमंत्री को झुकाएंगे। और केंद्र के ये जो रैली है ये बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की बात है, ये केंद्र के जितने पद खाली है वो भी भरे, और स्टेट गवर्नमेंट के 4 लाख से ज्यादा पद खाली है, स्टेट की सरकार उन 4 लाख खाली पदों को भी भरे, ये मांग करने आज यहाँ का छात्र नौजवान अपनी बात करने आपके बीच आया।
घोषणा पत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी ने बेरोजगारी भत्ते की बात करी थी कि हम अगर सत्ता के अंदर आए बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये बेरोजगारी भत्ते की बात 70 साल में पहली बार चली और इसलिए चली कि नौजवानों की एक पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो 18 के अंदर राजस्थान में चुनाव लड़ रही थी तब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को बेरोजगारी भत्ता याद आया, लेकिन भत्ता दिया नहीं, याद ही आया उसमें कई राइडर लगा दिए और बेरोजगारी भत्ते के कितने आवेदन इन सरकारों के पास पड़े। भाइयों 18.4 लाख से के अधिक बेरोजगार कौशल नियोजन उद्यमिता निदेशालय के पोर्टल पर पंजीकृत है, जिनमें सिर्फ 1.90 लाख उम्मीदवारों को ही बेरोजगारी भत्ता मिला है। 18.4 और मिला कितने को? 1.9 को। तो आप देख लें कितना परसेंट हुआ, अंदाज लगाने का 8-7% हुआ। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप इन युवाओं के क्यों पीछे पड़े हो? आप तो अपने आप कहते हो कि मैं युवा नेता था, पहले युवा राजनीति से आया हूं। हाँ आप यूनिवर्सिटी का चुनाव हार गए, वो मलाल जरूर आपके मन में होगा, लेकिन अब तो वो दिन नहीं आ सकते आपके। अब आप क्या वापिस यूनिवर्सिटी जोधपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे? और आपकी अगर इच्छा है तो खुद ही आदेश निकाल लो कि तमाम विश्वविद्यालयों का मैं अध्यक्ष घोषित करता हूँ। साथ बहुत शौक है आपको, चुनाव लग रहा है और आप लगातार रेवड़ी बांट रहे हो। साथ संघ चुनाव के बारे में मुख्यमंत्री जी बताओ कि क्यों चुनाव बंद करा रहे हो, कौन सी सेमेस्टर की बात कर रहे हो आप और कौन लाया सेमेस्टर प्रणाली? अगर नरेंद्र मोदी लाए तो आप मोदी की सरकार हो क्या? आप तो कांग्रेस हो, वो बीजेपी है। स्टेट का सूची है शिक्षा, चुनाव कराने नहीं कराने वो तो स्टेट का इश्यू है, दिल्ली का नहीं है। और जब बात कर रहे हो सेमेस्टर की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 22 तारीख को जब चुनाव हो रहा है तो राजस्थान विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर और बीकानेर सहित तमाम हमारे विश्वविद्यालय कॉलेज है, इनमें छोटे भाइयों को चुनाव से क्यों रोका जा रहा है? ये लिंगदो कमेटी जिसकी आड़ में हमारे छात्र संघों को कमजोर करने का प्रयास, कुत्सित प्रयास किया गया। क्या है लिंगदो कमेटी? कौन लिंगदो था? क्या मतलब है लिंगदो का यहाँ पे लेना देना बताओ मुझे? चुनाव कराना नहीं कराना, वसुंधरा लाई कि सरपंच 8वीं पास होगा, 10वीं पास होगा, डीआर सीआर, इतने फर्जी मार्कशीट आ गई राजस्थान के अंदर। सारे उत्तर प्रदेश बिहार से फर्जी मार्कशीट लेके आधे ज्यादा लोग सरपंच बन गए, बड़ी दिक्कत हुई उनके साथ। जैसे ही सरकार बदली, बदलते इन्होंने कहा वो केस तो वापस लेंगे, लेकिन एक नया काम चालू करते हैं कि कहीं वसुंधरा से पीछे नहीं रह जाए। उसने तो फर्जी मार्कशीटों का कारोबार बढ़ाया, गहलोत जी ने पेपर लीक की नई दुकान राजस्थान के अंदर खोल दी कि पेपर ही लेके चले जाओ सारे सारे, मैं पेपर लीक राजस्थान के अंदर करवा रहा हूं। गहलोत जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये एनएसयूआई संगठन जो आपकी पार्टी का संगठन है, यहां के 90% बच्चे इस संगठन में जो पदाधिकारी चुनाव चाहते हैं? हाँ एक दो लड़के को बुला के आपने कह दिया कि तू विधायक का टिकट ले ले, तुझे क्या मतलब इस पंचायती के अंदर, वो बेचारा भाग रहा है, लेकिन भाग के जाएगा कहाँ? मैं खड़ा हूं ना, चिंता क्यों कर रहे हो आप? चुनाव जीतेगा ना कोई भी हो चाहे, वो तो जमानत जब्त होगी। जो छात्रों के खिलाफ अगर कांग्रेस और बीजेपी का टिकट लेके आएगा और छात्र नेता है, वो 15,000-12,000 वोट पार नहीं करेगा, चाहे कितना ही बड़ा नेता है, उसका इलाज मैं कर दूंगा। जो 150 किलोमीटर की मेरी रेंज है वहां तो तय है, तो मिसाइल बल्लभ नगर तक चली गई हमारी, बल्लभ नगर चली गई, कोटपुर नीचे कसाने जाते हैं हमारे रामस्वरूप जी। पिछली बार 30,000 वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को कसाने जी कैंडिडेट से मिले, और जब हमने किसान बिल के मामले में बॉर्डर जाम किया था तो शुरुआत कसाना जी ने, तो कसाना जी ने वो रैली करी थी हमारी, एक हुंकार में हरियाणा पुलिस और सारे केंद्रीय सुरक्षा बल वहां पे आ गए, हाईवे जाम में चला और जाम हो गया। पहले जाम नहीं हुआ, पहले 18-17 लोग साइड में बैठे थे कोने के अंदर, और जैसे ही मैंने जाम लगाया दलालों की फौज वहां पहुंच गई,
कि अपने हनुमान वापिस आए, उससे पहले बॉर्डर के बैरिकेड उसके पास बैठ जाओ चिपके, तो अपने भगाएगा तो नहीं, आएगा तो देख लेंगे। जब मैं दोबारा गया 60-70 हजार आदमी लेके, लड़कों ने कहा हम तो अंदर घुसेंगे। मैंने कहा देखो आगे कौन लोग बैठे हैं, कि लोग तो अपने वाले ही हैं, तो बैठ रहे हैं उनको, अपन 100 मीटर दूर टेंट लगा लेते, क्या फर्क पड़ता है भाइयों। क्या क्या संघर्ष हम लोगों ने नहीं किया, और किसके लिए किया? आपके लिए किया मुख्यमंत्री जी। आप जिस तरह बीजेपी से मिलकर काम कर रहे हो, और आपने खुद ये कहा कि वसुंधरा अगर नहीं होती तो मेरी सरकार नहीं बचती, और ये जो लाल डायरी का खेल है, ये चुप कैसे हो गई लाल डायरी, बताओ मुझे कहां चली गई? क्योंकि अगले जो पन्ने थे वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम थे, इसलिए लाल डायरी बंद करो, और लाल डायरी जो लेके आया उसको दूसरी पार्टी के अंदर घुसाओ, और वो सीट छोड़ के और उसको दूसरी पार्टी में, नहीं तो कह देंगे कि बीजेपी के लोगों ने लाल डायरी से सरकार को बदनाम किया, बीजेपी के खुद लोग इसके अंदर शामिल है। भाइयों, बीजेपी शासक चुनाव में क्यों नहीं बोल रही है? बड़ी बड़ी डींग हांकते भाजपा के नेता, कोई नड्डा जी की यात्रा में बैठा है, कोई कहीं लगा हुआ है, अब तो एक ही काम कर रहे हो कि चुनाव नहीं होने चाहिए। अगर चुनाव हो गए तो क्रेडिट आरएलपी वालों को मिल जाएगा। अरे आरएलपी को तो वैसे ही क्रेडिट मिलेगा, जो लड़ता है उसी को क्रेडिट मिलता है, जो रजाई ओढ़ के सो जाता है उसे क्रेडिट नहीं मिलता, उसके जूते मिलते हैं और चुनाव के अंदर मिलेंगे। ये देखना कि भारतीय जनता पार्टी जो 150 का सपना लेकर राजस्थान के अंदर चल रही है, अब ये भी पंचर हो जाएंगे। पिछली बार भी 18 के अंदर ये आरएलपी के जवानों की हुंकार से कांग्रेस वेंटिलेटर पर चली गई थी, और भाजपा 70-72-73 पे आ गई थी, कि नौजवानों की हुंकार थी, ललकार थी। अब की बार तीसरा मोर्चा पूरी ताकत के साथ राजस्थान के अंदर लड़ेगा। भाइयों, ये मैं सचिन पायलट से पूछना चाहता हूं, वो बड़ी युवाओं की बात करते, ट्वीट करता है, कल परसों मैंने उनका भाषण देखा था, वो कह रहे थे नई नई पार्टियां आ जाती है, 1.5-2 बीघा जमीन बेच के लोग स्कॉर्पियो खरीद लेते हैं, आपको क्या तकलीफ है? तो तकलीफ है क्या? क्या क्या आप स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर में बैठोगे? अगर आपके पिताजी मेहनत नहीं करते तो आप जैसे घने लोग घूम रहे इस प्रदेश देश, कौन पूछता आपको बताओ? अब कौन पूछ रहा है कांग्रेस पार्टी का? आपके कहने से एक कांस्टेबल नहीं लगता राजस्थान का, एक सिपाही नहीं लगा सकते, और किसी के पानी का टैंकर नहीं डलवा सकते राजस्थान का? क्या हैसियत बची है आपकी राजस्थान में? बता दो, जो आपके आसपास थे उनको भी खत्म कर दिया, फौजमार कप्तान हो गए आप, अपनी फौज को खा गए। गहलोत भी फौजमार कप्तान है, और पायलट उससे बड़ा फौजमार कप्तान है। लोगों का यूज थ्रो, मैंने की मदद 2 बार, जब 18 के चुनाव थे मेरे पास टेलीफोन आया, हनुमान जी आप मेरी मदद कर दो, आप किसान के बेटे हो, हम गुर्जर समाज के लोग तेजा जी की जय बोलते हैं, जाट समाज भी तेजा जी की जय बोलता है। मैंने कहा पायलट साहब आप बताएं मुझे करना क्या है, कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, तो मैंने कहा मैं बोला, बोले नहीं मैं ही भेज रहा हूं आपके घर पे, तो मैंने कहा भेज दो मुझे क्या कहना है, कि आप इतना सा कह दो कि सचिन पायलट को अगर मुख्यमंत्री कांग्रेस बनाती है तो आरएलपी के तीनों विधायक कांग्रेस को समर्थन करेंगे। मैंने कहा ठीक है कर दूंगा मैं, और मैंने पीसी की और ये बयान दिया कि अगर कांग्रेस सचिन पायलट को सीएम बनाती है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीनों विधायक कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। ये आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा सब लोगों ने? दोबारा जब सरकार गिर रही थी, जब पायलट साहब 19 कांग्रेस के विधायकों के लेके मानेसर चले गए थे, उस समय बीजेपी के गठबंधन में था एनडीए के अंदर, मेरे पास देश के बड़े नेताओं के टेलीफोन आए, आप साथ दो। मैंने कहा क्या चाहते हो आप लोग? बोले हमारे साथ रहो, 72+3 75 और 19 वो हो गए 94। मैंने 72+3 साथ दिया, और मैंने उस समय इस बात का भी खुलासा कराया कि हम साथ तो दे देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है पहले बताओ, किसको कि एरे गेरे को सीएम बना दो, आरएलपी के तीनों विधायक वोट नहीं देंगे। मैंने कहा पायलट को अगर बनाते हो तो तीनों आरएलपी के विधायक साथ हैं। भाइयों, ये बात भी सुनी थी कि नहीं सुनी थी आपने? कितनी बार मदद कर दी मैंने? 2 बार। मेरे लिए कोई मदद नहीं मांग रहा हूं,
मुझे उन पर तरस आता है कि किस तरह उनको कोने के अंदर बिठा दिया, लेकिन अभी भी जमीर नहीं जाग रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि छात्र संघों में आप अपना क्लियर करो ना, एजेंडा क्या आपका, आप क्या चाहते हो, छात्र संघ चुनाव हो या नहीं हो बता दो आप, क्योंकि सबसे ज्यादा आपके जयकार है कि नौजवानों ने लगाए, सबसे ज्यादा आपकी जो फैन फॉलोइंग है ये नौजवान छात्र है। पायलट साहब चुनाव आ जाएंगे, बड़े से बड़े नेता है, आप वसुंधरा पर आरोप लगाते थे कि मेरी बात हो गई प्रियंका गांधी राहुल गांधी से, वसुंधरा की जांच हो जाएगी, हुई तो नहीं जांच। आप रोज फोन करते थे, मेरे को करते थे, कभी किसाना जी को भी करते थे कि कॉफी पिलाऊंगा सीएम हाउस में, चले गए क्या सीएम हाउस के अंदर, अपने पीली क्या कॉफी सीएम हाउस के अंदर, कितना बेवकूफ बनाओगे लोगों को बताओ। मीडिया वालों को कहते थे भाई चिंता मत कर 15 दिन बाद सीएम हाउस में कॉफी पियेंगे जब बैठ के बात कर लेंगे, कहाँ गई कॉफी आपकी, ठंडी हो गई कॉफी। तो प्रदेश में दो ही पार्टियां हैं, दो ही वादे करती है, आपके बीच आती है। जब छात्र संघ चुनाव बंद कराए तो इन पार्टियों को ये लगा होगा, ये भूल गए कि थर्ड फ्रंट भी राजस्थान के अंदर है, तीसरी पार्टी भी है जो राजस्थान के किसान के बेटों ने अपने खून पसीने से, किसानों ने आशीर्वाद से उस पार्टी को आशीर्वाद दिया और 70 साल की व्यवस्था को बदलने के लिए वो पहला दल जिसका झंडा आपके साथ है। मुझे झंडे के साथ आंदोलन क्यों करना पड़ा ये भी मैं आपको बता दूं। पहले सब जो विश्वविद्यालय के जितने भी छात्र नेता हैं बैठे हैं, इन सब ने जब आमंत्रण किया राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर, ये सारे अपनी ताकत लगा रहे थे 8-10 दिन तक भूख हड़ताल की, मुझे बुलाया मैं गया, इनका आमंत्रण खत्म कराया और दोबारा मैंने कहा कि आप जितने भी पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं इनको बुला लो, बिना झंडे का आंदोलन हम राजस्थान के अंदर करेंगे और वो आंदोलन होगा सिर्फ छात्र संघ चुनाव का, बेरोजगारों को रोजगार, युवाओं को न्याय। भाइयों जब बुलाया था उस समय एमएलए तो कोई नहीं आया, छात्र संघ के जो अध्यक्ष हैं 2-3-4 लोग उस दिन जरूर आए थे, लेकिन जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस चुनाव की तारीख की घोषणा करी तब एक भी पूर्व अध्यक्ष मेरे हिसाब से कोई नहीं आया था। पूर्व अध्यक्ष भी मुझे ही मान लो, एमपी भी मैं ही था, और चूंकि मेरे छोटे भाई हैं मुझे वो दिन भी याद है जब झोटवाड़ा के अंदर मेरी गाड़ी पर हमला हुआ था, उस समय राजस्थान विद्यालय के मुख्य द्वार पे 10,000 से ज्यादा छात्रों ने कोई संगठन नहीं देखा, कोई NHAI का था, कोई SFI का था, कोई विद्यार्थी परिषद, कोई निर्दलीय, कोई दूसरी पार्टी का था, सबने कहा था कि हमारे बड़े भाई पे हमला हुआ है और पुलिस ने लाठियां भांजी इन पे, बहुत से बच्चे घायल हो गए, लेकिन जिस IG ने इन पे लाठीचार्ज कराया उसका जैसे ही मेरा मौका लगा उसका टिकट काट दिया, वो घूम रहा सड़कों के ऊपर। मैं भी भूलता नहीं हूँ कोई चीज, ये मेरी आदत है, जो मेरे लोगों को परेशान करता है मैं उसको जरूर परेशान करता हूँ, बड़ी पंचायती नहीं करता, और जब मौका लगता है तो मौके पे छक्का लगाता हूँ और यह क्लीन बोल्ड बीच में कभी नहीं रहता मैं, एक ही चीज होती है मेरी राजनीति। आज जिस तरह शहीद स्मारक से लेकर आप तमाम जगह देख लें कि हमारे बच्चे रोज, ये तो मैं धन्यवाद दूंगा कमिश्नरेट के इन लोगों का कि अगर ये नहीं हो तो इनकी बात कौन कराए बताओ मुझे। बेरोजगार आज 108 एम्बुलेंस वाले लंबे समय से हड़ताल पे, सरकार को इनकी सुध लेनी चाहिए, और इनसे भी अपील करूंगा शांतिपूर्वक अपनी बात करें, इमरजेंसी सेवाओं को बंद नहीं करें, आपके साथ हम खड़े हैं, आपकी मांगे मनवाएंगे, आप चिंता नहीं करें, इतना मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। जितने संविदा कर्मी, जितने नौजवान राजस्थान में हड़ताल कर रहे हैं, जयपुर की राजधानी के अंदर बैठे हैं, उन सब की बात भी आज ही करूंगा मैं, क्योंकि छात्र संघों के साथ साथ जो दूसरा नहीं पड़ा आपने ज्ञापन, दो ज्ञापन दे रहा हूं, एक तो छात्र संघ चुनाव बहाल करो और दूसरा ज्ञापन है बेरोजगारी भत्ता, संविदा कर्मियों को नियमितीकरण प्रदेश के अंदर, जो कमिटमेंट कांग्रेस सरकार ने किए, और खाली पद भरे और दिल्ली की सरकार भी भरे, एक ज्ञापन इस बात का है जिसके अंदर सारे लोग आगे, चाहे वो संविदा पे है या जो खाली पद भरने की बात है, चाहे विज्ञप्ति निकालने की बात है, सरकार ने जो घोषणा करी थी उसको पूरा करें। आज हालात देखिए कि किस तरह पार्टियां अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ती है, और गलती से कोई छोटी मोटी बात लोकतांत्रिक व्यवस्था में निकल जाती है तो उसको, जिसका कोई आका नहीं होता उसे पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है। जब मुझे बीजेपी से बाहर निकाला मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था,
मैं तो वसुंधरा के लिए बोला था कि वसुंधरा जी की जाति क्या है और इनका ससुराल और इनका पति कहाँ है, यही तो बोला मैंने। क्या गलत बोला था बताओ मुझे? अगर ये पूछना अपराध है तो मैंने जरूर अपराध किया उस समय, और मुझे बाहर निकाल दिया कि आप जाओ बाहर पार्टी के। कैलाश मेघवाल बोले कि देश के न्याय मंत्री कानून मंत्री भ्रष्ट है, जांच करानी चाहिए। बीजेपी की मिर्ची लगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में कहा आपको बाहर निकाला जाता है। अरे जो आदमी 85 साल की उम्र के हैं, जिन्होंने उस समय मेघवाल समाज को भाजपा से जोड़ा, हमारे समाज के लोग बीजेपी का झंडा नहीं लगाने देते थे मारवाड़ के अंदर, मेरे पिताजी कब भाजपा के अंदर आए? हम अगर सच्ची बात नहीं कहेंगे हम किससे खड़े हैं? तो मेघवाल जी को इसलिए निकाल दिया कि उन्होंने उनके चेते मंत्री पर आरोप लगा दिया। और ये सब कौन कर रहा है? जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं राजस्थान में, और एक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है भाजपा में, 12 दूल्हे एक लुटेरी दुल्हन, तोरण कौन मारेगा? अभी बारात आ गई है, सत्ता खड़ी है, तोरण कौन मारेगा? तोरण का वाला कहां है? और कांग्रेस पार्टी में पायलट साहब की बारात तो बीच में ही रुक गई, गाड़ी पंचर हो गई उनकी। और गहलोत साहब चाहते हैं कि मैं दूसरी बार रिपीट हो जाऊं या तीसरी बार चौथी बार रिपीट हो जाऊं, लेकिन असली में जानता हूं अशोक गहलोत को, वो यही चाहते हैं कि मेरे 5 साल आराम से निकल जाए, जनता जाए बाढ़ में, लग जाएगी आचार संहिता, उसमें टाटा बाय बाय करके निकल जाओ। फिर कह देंगे अरे क्या हो गया, 21 आई थी, अगर 4 ज्यादा कि मैं ज्यादा ले आया ना, पिछली बार तो 21 थी, उससे तो ज्यादा है, ठीक नहीं है। और ये कह देंगे मैंने पायलट को तो रगड़ दिया, उसका तो इलाज कर ही दिया, तो कहेंगे क्यों नहीं कहेंगे, वो कह रहे थे रगड़ा ही होनी चाहिए, दिया तो था बयान। लेकिन सचिन पायलट क्या करेंगे, मुझे उनकी चिंता है। और चिंता इसलिए मैं कई बात बोलता हूँ, वो कह रहे मेरे खिलाफ बोलते हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं बोलता, मैंने तो उनकी मदद करी, 2 बार मदद करी, उनको कह दो 1 बार मदद कर देना मैं मान लूंगा कि आपने हमारा ऋण उतार दिया, हमारा ऋण है उनके ऊपर, 1-2 और ऋण है वो बताऊंगा नहीं मैं आपको यहाँ पब्लिक में, पहले ऋण उतारो, जो ऋण हमने आपके ऊपर की उनको उतार दो आप पायलट साहब, कैसी बातें करते हो, उनसे मिलने का सिस्टम आप देखो, कोई मिल नहीं सकता। अब तो यह हालात है, कितना ही खास आदमी हो वो पीए से बात करेगा, वो उससे बात करो, पीए करेगा बात, हमारे यहाँ साला कोई पीए बात कर सकता है? हम खुद ही करते हैं बात जो करनी है। तो ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को कौन बदलेगा? व्यवस्था बदलने के लिए हमें नौजवानों की आवश्यकता है। नौजवान, हर क्रांति का नायक नौजवान था, तांतिया टोपे मंगल पांडे से लगा के भगत सिंह तक, देश में जितनी भी क्रांतियां हुई इस आजादी के आंदोलन के अंदर, अगर भारत माता को आजाद कराने का सबसे ज्यादा श्रेय किसी को जाता है तो देश के नौजवानों को जाता है, जिनकी वजह से लोकतंत्र खुली हवा के अंदर पर सांस ले रहे, फांसी के फंदे को चूम गए, उनको क्या मिला, उनके परिवारों को क्या मिला? राज तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था और इनकी 3-4-5 पीढ़ियों ने किया था, हिंदुस्तान को बर्बाद इन लोगों ने किया, और बाद में मोदी जी आ गए, तो बची हुई कोई बर्बादी थी वो 5 साल जो 13-15 साल इनका थे उसमें बर्बाद कर दिया देश को। इनकी सोच किसान विरोधी है, इनकी सोच जवान विरोधी है, ये इनके प्रकरण सत्ता में कैसे आए, चाहे झगड़े करा के आए, चाहे कोरोना फैला के आए, चाहे दूसरा काम करें, हमें राज में आना है और मिशन 24 पूरा करना, इनका तो मिशन है 24 पूरा, अगर 29 पूरा करना है, ये चले जाएंगे इनके भाई दूसरे आ जाएंगे पीछे से बैठ के। तो भाइयों, और कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस भी लड़ाई नहीं लड़ रही है, अगर कांग्रेस लड़ाई लड़ती तो तथाकथित INDIA नहीं बनाना पड़ता, जो कांग्रेस पार्टी थी ना एक जमाने के अंदर, एक तरफ कांग्रेस थी दूसरी तरफ कोई नहीं था, कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई? यूपी बिहार जैसे राज्यों के अंदर खाता खोलने का इंतजार करते कि जब रिजल्ट आते हैं 1-2, 1-2, 1-2, 3, 1-2, 3, तो ये हालात हो गए। बंगाल के अंदर देख लो, उड़ीसा में देख लो, तमाम साउथ के राज्य आप देख लो, नॉर्थ के अंदर देख लो, जो कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा हुई, कौन जिम्मेदार है? ये सब लोग जिम्मेदार है। मुझे तो अचंभा होता है कि कई लोग मेरे खिलाफ लिखते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग, कि हनुमान जी की कांग्रेस मदद कर रही है। अरे मेरे भाइयों, अगर कांग्रेस मेरी मदद करती और मैं कांग्रेस की मदद करता तो फिर अशोक गहलोत का बेटा चुनाव थोड़ी हारता, मैंने जो हरवाया था जाके, तुम्हारी तो औकात ही नहीं थी, तुम तो वोट मांग रहे थे उसके लिए घर घर, जो ये बयान दे रहे हैं ये तो लोगों को पैर पकड़ रहे थे, हनुमान बेनीवाल था जिसने
गहलोत के बेटे को हरा के इसका जादूगरी का खिताब छीन लिया था। छीना था कि नहीं छीना था? वो जादूगर नहीं बचा, जो पहले पॉलिटिकल पापा कहते थे, अचानक पॉलिटिकल पापा बदल गए। पॉलिटिकल पापा बदलता नहीं, एक ही रहता है। वैसे तो बाप एक ही होता है, लेकिन कोई अगर दो तीन बाप बनाना चाहे तो लोकतंत्र में उसको छूट है, मुझे लगता है ना, वो बना सकता है, लेकिन दो तीन के बाद रुक जाएगा, 7-8-9 तक नहीं चले जाए, इतना ही है बस, है ना। पॉलिटिकल पापा तो होते थे, पॉलिटिकल मम्मियां और हो गई जगह जगह, आप बताओ। पॉलिटिकल पापा, पॉलिटिकल मम्मी, सुबह दिया बयान कुछ, शाम को कुछ, जाओ पार्टियां ज्वाइन करो ईडी के डर से, और आरोप लगा दो मेरे ऊपर, क्योंकि मैं तो सीधा साधा आदमी हूं। हर कोई यही कहता है कि हनुमान जी की वजह से ये हो रहा है, और मेरी वजह से अगर ये हो रहा है तो मैं छात्र संघ चुनाव के लिए सड़क पर क्यों बैठा हूं? फिर फोन करता रो जाता छात्र संघ का चुनाव, फिर क्यों तकलीफ पड़ी बच्चों को बताओ? कितना तेल महंगा है, और अब तो हड़ताल और चल रही 2 दिनों से। ये राजस्थान के कोने कोने से लोग आए। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि छात्रों को इतना डरा दिया राजस्थान के अंदर, युवाओं को इतना कमजोर कर दिया, रैली में जाओगे भगदड़ मच जाएगी। हमारी छात्राएं कहां आई बताओ मुझे? अगर 10,000 छात्राएं बैठी रहती, 1,00,000 की संख्या होती, मैंने कहा ना 1,00,000 हो जाओगे तो घोषणा हो जाएगी आधे घंटे के अंदर। घोषणा में देरी लग सकती है, कारण 1,00,000 की संख्या नहीं हुई। संख्या अच्छी है, आप इसको भी छोड़ो, अच्छी संख्या है। और सबसे बड़ी बात कि आप खुद ने आंदोलन किया, और हमने राजस्थान के कोने कोने के अंदर जाके रैलियां करी। एक जगह मैंने कहा आगे क्या रवाना हो रहा है? बोले साहब रवाना नहीं, क्यों? बोले आपका भाषण यही सुन लिया था ना, वहां जाके क्या करेंगे, भाषण तो सुनना। तो ये भी गलत हो गया। अगर कहीं नहीं जाते और सिर्फ तुम ही जाते छात्र नेता, तो यहाँ अभी ये मैदान खचाखच भरा होता और बाहर तक बच्चे आते। लेकिन बच्चों का आंदोलन है, बच्चों से ज्यादा हमारे दूसरे दिख रहे हैं, देखो बेरोजगार नौजवान तो दिख रहे हैं। आपके आंदोलन को समर्थन देने के लिए जालौर सिरोही से लेके डूंगरपुर बांसवाड़ा से लेके धौलपुर हनुमानगढ़ गंगानगर तक संख्या चाहे कितनी हो, प्रतिनिधित्व के तौर पर सर्व समाज के किसान के बेटे किसान आपको आशीर्वाद देने जयपुर के स्टेडियम के अंदर पहुंचे। चाहते हैं कि हमारे बच्चों का चुनाव हो, हमारे बच्चे नेता बने, वो छात्र संघ के अध्यक्ष बने, और सरकार इस तरह के छात्र संघों का गला घोंटेगी, इस तरह विश्वविद्यालय स्वायत्तता खत्म करेगी, कॉलेजों के अंदर स्वायत्तता खत्म करेगी, और विश्वविद्यालय और कॉलेज को जिस तरह पुलिस लाइन बना देगी कि सारी सारी पुलिस भ्रमण करती है अंदर, क्या लेना है पुलिस वालों का? वो तो पढ़ लिख के बाहर आके क्यों घूम रहे यूनिवर्सिटी के अंदर? सरकार सरकार कहती जाना पड़ता है। मैं कह रहा हूं कि सब कुछ सरकार के अंदर ही निहित है। ये मैं आह्वान करता हूं भाइयों, जिन जिन लोगों ने आज आपका या इस चुनाव के दौरान विरोध किया, उनको याद रखना मन के अंदर, याद रखो कि कौन लोग थे। आज जिनकी एज पूरी हो जाएगी और आप चुनाव बाद में कराओगे, वो कैसे चुनाव लड़ पाएगा? 2004 से 10 जब वसुंधरा की सरकार थी, प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव बंद हुए, बेल के अंदर जब विधायक बन के 8 में बेल में धरने पे बैठा, दूसरे लोग आए, गहलोत ने खड़े होकर कहा चुनाव कराएंगे। तो आज मैं गहलोत जी से पूछना चाहूँ, गहलोत जी आप इतने संवेदनहीन मत बनो, संवेदनशील बनो। आप अपने बेटे को भी नेता बनाना चाहते हो, ऐसे बेटा नेता नहीं बनेगा। युवाओं को खिलाफ कर दो, किसानों को कर दो, जन जन को खिलाफ कर दो, उसके बाद जीतने की सोच रहे हो ना, सोचना मत। अगर दोबारा चुनाव बेटा नहीं जीता तो फिर तीसरी बार जीतता नहीं, ये भी तय होता है, क्योंकि उम्र तो बढ़ती जाती है आदमी की, उसका कोई इलाज नहीं है। तो मैं आप सब जितने भी यहाँ पे जो आए हैं, यहाँ पे अरे कहाँ गया इधर, ये लड़का कहाँ गया, घूम रहा था ना, जो भाई इधर ना कागज दिखा तेरे पास, काम कर ना। जितने भी आप लोग यहाँ आए, और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा पार्टी के पूरी टीम, पार्टी के तीनों विधायक भाई पुखराज जी गर्ग, नारायण बेनीवाल, इंदिरा बावरी, हमारे रामस्वरूप जी कसाना, छुट्टन यादव, रणदीप चौधरी, बीकानेर की पूरी टीम, पूरे राजस्थान की पूरी टीम, इनको इस बात का धन्यवाद कि उन्होंने भाषण नहीं दिया, समझ गया ना। एक दो भाषण नहीं दिया, कह दिया कि आप ही दे दो सबकी तरफ से, तो 1-1.5 घंटे का टाइम भी बच गया। इनका हनुमान जी बोल देंगे तो पूरी पार्टी बोल गई। और इन्होंने एक अच्छी पहल ये करी, आज ये सब लोग वहाँ बैठे थे और आप यहाँ मंच पे थे। ये शायद राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ कि स्टूडेंट लीडर मंच पे था और एमएलए नीचे बैठे। वो मैंने इनको कहा
मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, अब आप लोग आगे चलो, क्योंकि हम सब विश्वविद्यालय की कॉलेज की राजनीति से निकले। विश्वविद्यालय के हमारे जितने भी नेता यहाँ पे आए हैं, ये मैं बारी से इनके नाम लूंगा। भाई यहाँ से शुरू करता हूँ, महेश चौधरी मेरे साथ काफी इस कार्यक्रम में घूमे, भाई मोहित यादव बहुत ये राजस्थान विद्यालय के नेता जो मेहनत कर रहे थे सारे, विकास घोसलिया, हरपुल चौधरी। तुम नर्वस में तो तुमको तो रैली 10 दिन बाद बड़ी 2 लाख की ओर कर देंगे, चिंतित क्यों हो रहे हो, इनका कपड़ा हाथ में ही। बच्चे थोड़े नर्वस है, ये नर्वस इसलिए है कि राजस्थान विश्वविद्यालय और आसपास के कॉलेजों से नहीं आए, वो इसलिए नहीं आए कि उनको डर लगता है बच्चों, लिंगदो कमेटी, चुनाव, पुलिस प्रशासन, इससे डरते हैं। ये खोप निकालना है, और खोप कौन निकालेगा, अपन निकालेंगे, इस खोप को खत्म करेंगे। समय लग सकता, देश को आजाद होने में 200 साल लगे थे, 200 साल बाद देश आजाद हुआ था। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि छात्र संघ का जो मुद्दा कमजोर हो गया था, वो मुद्दा आज पूरे देश के अंदर, इस राजस्थान में छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, इस मुद्दे को ऊर्जा मिली और छात्र संघ चुनाव बाल कराने के मुद्दे को एक नई ऊर्जा की शुरुआत आज जयपुर की धरती से हुई कि नहीं, ये तो मान रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो लड़ना पड़ेगा भाई, भगत सिंह भी तो लड़ाता है, सदैव को हमें लड़ना है। हरपुर के बाद आ गए आपके विनोद बुदोली, कोमल मोहनपुरिया, शुभम रेवाड़, कमल चौधरी, नीरज खीचड़, हितेश यादव, महेंद्र बराला, राजेंद्र चौधरी, हरकेश छाबड़ी, क्या हरकेश छाबड़ी, महिपाल यादव, आमिर खान शेखावाटी, प्रशांत ढाका, करण लाइट है ना, प्रशांत ढाका, मनीषा मीणा जो भाषण दे पाई, जब मैं भाषण दे दू उसके बाद 2 मिनट बोल, तारा सिंह चौधरी, संजना चौधरी, कौशन खान, संदीप गुजर, गजराज राठौड़, बस्तीराम सारण, अभिषेक कहाँ लिखा भाई, बाकी अच्छा ठीक है, मैं सब के नाम ले लूँ, नाम लेने मेरे को ज़्यादा जोर नहीं है, है ना, बच्चों का नाम लेता हूँ। बीकानेर संभाग के नोर गवर्नमेंट कॉलेज के अर्जुन बेनीवाल, असलम खान, हनुमानगढ़ कॉलेज के राजीव खान, शाहरुख खान, केवल काकड़, गंगानगर के विकास खीचड़ डीएवी के, NMPG कॉलेज जयपाल गोस्वामी, गंगानगर कॉलेज दिनेश खीचड़, सूरतगढ़ संदीप स्वामी, डूंगर कॉलेज अभिमन्यु जाखड़, गिरधरलाल कुंकणा, MS अजमेर, कैलाश तरड़, राम कुमार सियाग, डूंगर कॉलेज रामनिवास बेनीवाल, पूर्व अध्यक्ष कल्याण गर्ल्स कॉलेज राजकुमारी जाखड़, SK कॉलेज सिक्कर भाई रामतार चौधरी, जोधपुर संभाग प्रधान भाई राजूराम खोजा, ज्ञानोदया चौधरी यूनिवर्सिटी, अरुण बाकर यूनिवर्सिटी, सुनील टाडा, अजीत सिंह कड़वासरा, रविंदर चौधरी, बावड़ी कॉलेज के रामनिवास गोदारा, बाड़मेर के मुकेश डूडी बाड़मेर, हनुमान काकड़ बायतू PG कॉलेज, ओम प्रकाश हुड्डा खेमतर कॉलेज नागौर के सुरेंद्र दोतड़, मेहरता महाविद्यालय सूरज टाडा, ये गोपालगढ़ कॉलेज सुनील लामरोड, दिनेश मुंडेल, नहीं मेहरता वो बच्ची है ना, अपने मेहरता की प्रेसिडेंट आई ना, आयुषी लामरोड मेहरता कॉलेज की प्रेसिडेंट, भरतपुर के अर्जुन सिंह चार, रजत पूनिया, हो गया सांगानेर के भाई हनुमान गुजर, LBS कोटपुली सनी सिंह, फागी पवन शर्मा, BCS नामतार गुजर, ये नाम सोहेल खान, कौन सा मंगल है भाई, मत्स्य विश्वविद्यालय कुलदीप यादव, संदीप बोला, मानसूर सीतू गुजर, बेरोड अंकित यादव, काला डेरा कॉलेज संजय देवंदा, गोविंदगढ़ उत्सव यादव, बगरू पंकज शर्मा, कमलेश बालोद जामडोली,
दूसरा के मोहित मीणा, लोकेश गुजर, संस्कृत विद्यालय दीपक गुजर, हरीश गुजर, अब कोई बच गया तो बता दो मुझे क्या, प्रवक्ता राजपाल, सारी हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की टीम, तमाम छात्र नेता, छोटी बहनें भी जो यहाँ बड़ी संख्या के अंदर आई। सबसे बड़ी बात है कि 11 बजे से आप लोग आना शुरू हुए, 6 बज गए, आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आज सरकार को अल्टीमेटम था हमारा, आंदोलन समाप्त नहीं हुआ, अगला कदम इसका क्या होगा, अभी थोड़ी देर के अंदर यहीं से घोषणा कर रहे हैं, हो सकता है कि अपने को कूच भी करना पड़ जाए सरकार सेक्रेटरिएट और सीएम हाउस की तरफ, इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। प्रयास करेंगे कि एक बार सरकार हमारी कोई बातचीत करे, सरकार के कानों तक ये आवाज पहुंचे, ये आवाज राजस्थान के नौजवानों की आवाज है, ये राजस्थान के छात्रों की आवाज है, ये राजस्थान के किसानों की दुआओं से संघर्ष करने वाले नेताओं की आवाज है। इस आवाज को सरकार ने चुनाव के समय नहीं सुना तो ये रेवड़ियां जो बांट रहे ना गहलोत साहब, ये रेवड़ियां भी लोग खा जाएंगे और वोट भी खिलाफ दे देंगे, जिस तरह 2013 में मुफ्त की दवाई बांटी थी और 21 में कांग्रेस सल्टी थी। ये भारतीय जनता पार्टी जो मिलाजुली का खेल करके इस चुनाव को पर्दे के पीछे से बंद कराने का कुत्सित प्रयास कर रही है। मैं बीजेपी के उन नेताओं से पूछना चाहता हूँ जो अखबार में फोटो छपाने के लिए, बयानवीर जो बयान देने के लिए सबसे आगे आते हैं, क्या आत्मा मर गई उनकी, क्या जमीर मर गया, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब आदिवासी हमारी प्रतापगढ़ की महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया तो कहां गई भारतीय जनता पार्टी, कैसे ना आंदोलन करेंगे बड़ा। अमित शाह आया था ना डूंगरपुर बांध छोड़ा, चले जाते प्रतापगढ़ तो नजदीक ही था। प्रियंका आई थी ना यहाँ पे, प्रियंका गांधी चली जाती बेटी से मिलने के लिए। उत्तर प्रदेश के अंदर तो बेटी और राजस्थान में बेटी नहीं, भाइयों पार्लियामेंट के अंदर इस प्रदेश के तमाम मुद्दे, चाहे किसी आदिवासी पर अत्याचार हो रहा हो, किसी दलित पर अत्याचार हो रहा हो, चाहे भ्रष्टाचार, दरिंदगी की घटनाएं, सर्व समाज की लड़ाई किसी ने अगर लड़ी, बढ़ती महंगाई को रोकने की बात किसी ने करी, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात करी, और युवाओं छात्रों को मजबूत करके इन नौजवानों की बढ़ती हुई आत्महत्याएं कैसे रुके, नशे पे लगाम राजस्थान के अंदर कैसे लगे, और कर्जे के बोझ के तले कोई किसान आत्महत्या नहीं करे, कोटा के अंदर जिस तरह 29 बच्चों ने सुसाइड किए, इनकी जांच होनी चाहिए। जांच कौन करेगा, कांग्रेस बीजेपी जांच नहीं करेगी। ये जांच अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सरकार के आसपास आ गई, आयोग भी बनवाएंगे, जांच भी कराएंगे, और उन कोचिंग मालिकों को पैदल कोटा शहर में घुमाते हुए सलाखों के पीछे डालेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। आज कोटा के एक मंत्री का बयान ये था कि ये जो घटनाएं हो रही है इसके अंदर लव अफेयर के मामले, आप बताइए कितना घटिया बयान 80 साल की उम्र के अंदर कोई व्यक्ति ये देता है। तो मैं गहलोत जी से कहना चाहता हूँ, इन मंत्री जी को आप घर बिठाओ, इनको भूलने की आदत है, पहले भी राजस्थान को मर्दों का प्रदेश बोल के बदनाम कर दिया पूरे देश के अंदर, ऐसे अगर बयान देंगे और आप कितना ही घूम लो, ये आपकी संख्या मुझे लग रहा है 20-25-30 में रह जाएगी अशोक जी, ये बात भी आपको संभाल लीजिए। मैं दिल्ली के जो प्रभारी यहाँ बैठे हैं रोज घूम रहे हैं, क्या उनको पता नहीं किस तरह का बयान कोटा के अंदर जारी किया, जो बच्चे हमारे सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे भगवान का रूप है, क्यों सुसाइड कर रहा है बच्चा, कहीं ना कहीं किसी तनाव को झेलता है, काउंसलिंग होनी चाहिए। कॉलेज के मालिकों की, कोचिंग मालिकों की इतनी ड्यूटी है जितनी माँ बाप की होती है, पैसा देके बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं, आपके भी पढ़ते हैं, तो आत्महत्याएं कैसे रुके, ये जो गैंगवार की घटनाएं राजस्थान के अंदर बढ़ रही है, हमारे बच्चों के हाथ में कलम की जगह बंदूक थमा दी, कौन रोकेगा इन चीजों को, कौन इस राजस्थान की चिंता करेगा, कौन नए राजस्थान का निर्माण करेगा जहां किसान जवान हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहे, ऐसा राजस्थान जहां 80% स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, जमीन हमारी ले ले तो भिवाड़ी से लेके बाड़मेर के तेल के कुओं तक जमीन हमारी प्रदूषण डाल आ रहा, वहीं पे नौकरियां बाहर के लोगों, ये जो इंदिरा गांधी नहर का पानी हम पी रहे, लुधियाना की गंदी फैक्ट्रियों का रासायनिक जो गंदा पानी वो डाल देते हैं उसके अंदर, और हम सारा गंदा पानी नागौर तक ही नहर आ गई, बीकानेर नागौर गंगानेर हनुमानगढ़
सारा गंदा पानी पी पी के बीमारियां फैल गई और हजारों लोगों को कैंसर हो गया। क्या सरकार का दिमाग कहाँ है, कहाँ जा रही है सरकार, बताइए मुझे कौन सी सरकार, ये किसके लिए बनी है, ये अपने चंद लोगों के लिए सरकार बनी है। आपकी चिंता किसी को नहीं है। अभी इस समय जब चुनाव का समय है, जब घर के अंदर बेटी का ब्याह आ जाता है तो माँ बाप अपनी बेटी का ब्याह करने में लगते हैं, पड़ोसी की शादियों में नहीं जाते न्योत चीमने के लिए। राजस्थान में चुनाव है और हमारे 20 साल के संघर्ष की अंतिम लड़ाई है, लेकिन छोटे भाइयों को जब तकलीफ के अंदर देखा तो नड्डा यात्रा निकाल रहे हैं, कांग्रेस घूम रही है, लेकिन हनुमान बेनीवाल छात्र संघ चुनाव, नौजवान, रोजगार और बेमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान की बात करते हुए इस राजस्थान की सड़कें नाप रहा है, राजस्थान के कोने कोने के अंदर जाके आपको संगठित करके आपको अपना हक और अधिकार दिलाने की बात करा। मैं अंतिम बात मेरी कहूंगा, आप लोग यहां से हिले नहीं, डुले नहीं, रुको एक मिनट, हाँ कर लेंगे ना, कर लेंगे, पांच मिनट शांति से रखो, हाँ पूछ भी कर लेंगे और अंदर घुस भी जाएंगे सचिवालय के अंदर, चिंता मत करो। उससे पहले एक बार हमने बात करी है कि ढंग से हमारी बात क्या हो, इसका छात्र संघ चुनाव का रास्ता क्या निकले और किस तरह जो हमारे मुद्दे थे बेरोजगारी, संविदा कर्मी, युवाओं को न्याय के, उन मुद्दों को लेके हमने मैसेज भिजवाया है। अगर बात हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन कूच करेंगे, लेकिन कूच करने से पहले कई लोग इधर उधर निकलना चाहते, निकलना मत, जो हो वो खड़े रहो और जो बाहर सड़कों में चारों तरफ खड़े वो भी एक जगह आके बैठ जाओ और उसमें आगे आगे हम चलेंगे, मेरे से आगे निकलने का प्रयास मत करना, ठीक है ना, आगे मैं हूँ और पीछे आप हो। अभी मैं बैठा हूँ, थोड़ी देर बात कर रहे हैं, बात अगर नहीं बनती है तो फिर आज रात का भी फिर सिस्टम यही रख लेंगे, खाने पीने का चालू करा देंगे, रुक जाए रात को, वापिस जाने का जब भी प्रोग्राम हो, एक कसम, हाँ रुको एक मिनट, मैंने एक कसम दिलाई आपको कि रात को गाड़ी तेज चलाते हो आप लोग, जो प्रदेश में घटनाएं बढ़ रही है आप देखिए, आपका जीवन अमूल्य है, आप इस देश की धरोहर हो, कोई माता पिता का अकेला बच्चा है, कोई अपनी पांच सात सात महीनों का अकेला भाई है, तेज गति से वाहन नहीं चलाना है। मैंने वाहन की स्पीड कितनी बताई आपको, बताओ 60-70, और किसी की बारात अगर जा रही हो और लगे कि भाई लड़की मतलब कह रही है कि जल्दी आओ नहीं तो मैं और कहीं चली जाऊंगी, तो वो 120 जा सकता है, वो जा सकता है। ऐसी स्थिति अगर कहीं बन जाए उसके अंदर वो फिर विशेष परिस्थितियां होती है, जैसे विशेष परिस्थितियों में हम भी तो 120 चलाते हैं, रोज थोड़ी चलाते हैं 120, और रात का सफर आराम से करना है, नींद आ जाए सो जाओ, उठ के चल दो, क्योंकि आप अगर इस तरह मजबूत नहीं रहोगे तो फिर राज नहीं बनेगा राजस्थान के अंदर। इस बात को आप हमेशा याद रखना, अपने कार्यक्रमों के अंदर दुर्भाग्य से बाड़मेर में पिछली बार मेरी रैली के अंदर तो नहीं थे, लेकिन रैली से थोड़ी देर पहले एक दुर्घटना घटी, बच्चे हमारे ही थे और गुजरात के 3 लोग उसमें खत्म हो गए, लोगों ने बहुत उछाला कि हनुमान जी के रैली के काफिले में, रैली का काफिला तो वो होता जो मैं खुद चलता हूँ काफिले, अब यूँ तो पूरी रोड देश भर में चल रही है, कोई झंडा लगा रहा तो उसके पीछे थोड़ी बैठता, मैं भगवान तो हूँ नहीं, जंतर मंतर से दुनिया चलाऊँ सारी, लेकिन प्रयास मेरा यही रहता है कि मैं आपको सही सीख दूँ, सही दिशा दूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि जो बच्चे यहाँ लड़ने के लिए आए हैं, चुनाव होते ही ये करीब करीब छात्र संघों के अध्यक्ष बन जाएंगे सारे के सारे, ये तो तय है। जो जयपुर आया है, जो लड़ा आपके लिए, उसको पूरे राजस्थान से देखा है, राजस्थान ने देखा है, और जो छुप गए जो टिकट की बात करके भाग गए, उनका इलाज मैं कर दूंगा, उनकी चिंता मेरे पे छोड़ दो, आप अपनी एक दूसरे की चिंता करो, कंपटीशन जरूर होता है, मैंने देखा बच्चों के अंदर बड़े गुटबाजियां हो जाती है, हमें इतनी गुटबाजी नहीं करनी, अभी एक ही मकसद है छात्र संघ के चुनाव कैसे हो, हम इसका अगला जो आंदोलन का अगला प्रारूप क्या है ये 10-15 मिनट बाद आपको बता देंगे। मैं अब भाषण मेरा समाप्त कर रहा हूँ, मेरी जगह जा रहा हूँ, उससे पहले आप ये जगह छोड़ के मत जाना, नहीं जाओगे ना, अरे जाना हो तो पहले ही बता दो, मैं भी जाऊँ फिर, ठीक है, तो फिर सारे सारे इंतजार करोगे और वेट करोगे, जब तक कोई सम्मानजनक बात नहीं हो जाती तब तक हिलोगे नहीं।
क्या बरसात से डर गए क्या? आज तो साथ में भीगेंगे सारे, यही रहो सारे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। दो तीन जोरदार जयकारे लगाए। जय बोले गजानन जी महाराज की, जय बोले गोविंद देव जी भगवान की, जय बोले तेजाजी महाराज की, जय बोले देवनारायण भगवान की, राम साहब पीर की।